हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे आज हमारे पास है जूनियर स्पेल ऑफ फन, जो कि एक क्रॉसवर्ड गेम है और सीजे एंटरप्राइज की तरफ से जो है ये मार्केट में प्रोड्यूस करके जो है पब्लिश किया गया है, मतलब मार्केट में सेल किया जाता है। तो इसकी जो है लोकल मार्केट में प्राइस आपको 170 के आसपास मिल जाती है, जो कि 170 रुपीज होती है। तो क्रॉसवर्ड गेम जो है काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल गेम है, जिससे कि बच्चे जो है उनका जो है इंग्लिश जो है वो काफ़ी बढ़िया हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल लेटर स्कोर, ट्रिपल लेटर स्कोर, इस तरीके का इसमें स्कोरिंग होता है। हर एक जो है जो स्पेलिंग क्रिएट करने के लिए वर्ड्स होता है उसके अंदर जो है नंबर होता है, उसका कैलकुलेशन करके जो है मतलब जो जितना बड़ा स्पेलिंग है तो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड जो होते हैं जिससे कि रेयरली कोई जो है स्पेलिंग बनता है, ऐसे वर्ड्स सॉरी ऐसे जो है अल्फ़ाबेट का यूज़ करके जो है वो ज़्यादा पॉइंट्स जो है मतलब बना सकता है, इसको जीत सकता है क्रॉसवर्ड गेम के अंदर। ओके, वैसे मैंने मतलब मेरा इंग्लिश कमज़ोर है तो मैं इतना इसको खेलता नहीं हूँ। तो इसकी जो है MRP जो है 230 रुपये है और ये कहाँ पे है, गोरेगांव मुंबई के अंदर से ये मतलब पब्लिश किया जाता है। ओके, तो इस तरीके का इसका जो है आउटलुक है। तो चलिए इसको जो है मैं खोल के बता देता हूँ कि अंदर से जो है ये कैसा है। तो इसको जो है आप अपने बच्चों को जो है बर्थडे पे गिफ्ट में दे सकते हैं, या तो जो है जन्माष्टमी, नवरात्रि, या तो फिर दशहरा जो है, या तो फिर दिवाली है, न्यू ईयर है, ऐसे जब फेस्टिवल्स आते हैं उस टाइम पे आप इसको जो है गिफ्ट में दे सकते हैं। और अभी जो है आपको पता ही होगा सिचुएशन कितनी टाइट है, तो अभी जो है बच्चे घर पे बैठ के ऐसे सब गेम्स खेलेंगे मोबाइल के अंदर खेलने की जगह, तो उनके लिए भी जो है एक लैंग्वेज जो है उनको नई अच्छे से आ जाएगी। वैसे तो इंग्लिश जो है सब सीखते ही अपने बचपन से ही इंडिया के अंदर, बट अगर कुछ अच्छे तरीके से सीखे तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश भी बन सकता है। तो चलिए इसको जो है हम खोल लेते हैं। तो इसकी जो है बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको एक बार देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, और किसी को अगर आपको डायरेक्टली गिफ्ट भेजना हो तो आप भेज भी सकते हैं, ठीक है, अपने भांजे हो या तो भतीजी हो या तो अपने खुद के बच्चों को भी जो है आप सरप्राइज दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये बोर्ड है, फिर इसको कैसे खेलना है, उसके रूल्स लिखे हैं। तो ये जो रूल्स है उसका फोटो खींच के भी मैं जो है वीडियो के स्टार्टिंग और एंडिंग में डाल दूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो है मिसिंग रहता है कई बार। ओके, तो ये इसका बोर्ड है इस तरीके से, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी का है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल स्कोर, डबल स्कोर और ट्रिपल लेटर, ट्रिपल वर्ड स्कोर, ट्रिपल लेटर स्कोर, इस तरीके के अलग अलग इसमें जो है सिचुएशन है। इसको कैसे खेलना है उसका एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, रूल्स जो है उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे और एक बार हम खेल के भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं। ओके, और अब जो है बारी आती है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के जो है वर्ड्स आपको मिल, सॉरी लेटर्स जो है आपको मिल जाते हैं। और ये क्या चीज़ है, ओके, तो इसका क्या यूज़ है मुझे भी पता नहीं है, अभी जो भी देखना पड़ेगा इसके अंदर इसका यूज लिखा होगा कि इसके अंदर जो है ये जो है 100 अल्फाबेट टाइल्स है, 4 टाइल्स रैक कम स्कोरबोर्ड है। तो ये जो है स्कोरबोर्ड है, तो इसके अंदर आई थिंक 4 प्लेयर जो है खेल सकते हैं। ऑलराइट, तो एक जो है PVC प्लेइंग बोर्ड है, नंबर ऑफ प्लेयर जो है 2 से 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं, और 6 साल से बड़े लोग जो है बच्चे वो इसको खेल सकते हैं। तो स्पेल इज अ वर्ड गेम, 4 2 2 3 2 3 और 4 प्लेयर्स, द प्लेयर कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिंग इंटरलॉकिंग वर्ड्स क्रॉसवर्ड फैशन ऑन स्पेलर प्लेइंग बोर्ड यूजिंग लेटर टाइल्स विद वेरियस स्कोर वैल्यूज। ईच प्लेयर कम्पीट फॉर हाई स्कोर बाई यूजिंग लेटर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशंस, दे टेक बेस्ट एडवांटेज ऑफ लेटर वैल्यूज एंड प्रीमियम स्क्वेयर्स ऑन द बोर्ड। द कम्बाइंड टोटल स्कोर फॉर गेम में रेंज फ्रॉम 500 पॉइंट्स टू 700 मोस्ट मोर डिपेंडिंग ऑन द स्किल ऑफ द प्लेयर। इस तरीके से इसमें सब रूल्स हैं, वो भी हम डिटेल में नहीं लिखते हैं, बट खाली इसकी क्वालिटी देख लेते हैं। तो ये जो है स्कोर बोर्ड है, इसके अंदर जो है आपको यूनिट्स, टेंस और हंड्रेड्स जो है मिल जाते हैं। इस तरीके से आप इसको मूव करके जो है अपने स्कोर को मेजरमेंट कर सकते हैं, जो जो आपका स्कोर होता है मतलब पॉइंट्स होते जाते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर डायल अप कर सकते हैं, या तो फिर आप नोटबुक के अंदर भी नोट डाउन कर सकते हैं सभी प्लेयर्स के स्कोर। तो बस इतनी ही चीज़ है इसके अंदर, और तो कुछ है नहीं।
तो आई होप आपको जो है बेसिक आइडिया लग गया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और बेसिक इसका यूज़ क्या है, तो इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, उसका आप डिसीजन जो है इससे ले सकते हैं। बट मेरे एक रिकमेंडेशन है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप इसको जो है ज़रूर से अपने बच्चों के लिए खरीदें। उनको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा, उनका जो है थिंकिंग बढ़ेगा, एक लैंग्वेज स्किल जो है डेवलप होती है। तो यहाँ पर मैं ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं समझता कि भाई इंग्लिश को ही सीखना है, बट अभी सिचुएशन हमारी ऐसी है कि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और उससे जो है इंडिया के अंदर काफ़ी काम मिलता है। तो अगर आपकी इंग्लिश जो है कमज़ोर रह जाती है अपने बच्चों की तो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है। तो उस दिक्कत को ही हमको हटाने के लिए उसको जो है गेम्स के थ्रू जो है खेलना चाहिए, मतलब सीखना चाहिए। तो इस रीज़न से वैसे बहुत सारे बच्चे जो है जर्मन भी सीखते हैं, इटालियन, फ्रेंच भी सीखते हैं, स्पेनिश भी सीखते हैं, बट ज़रूरत के हिसाब से बाद में वो कॉलेज के टाइम में या तो कॉलेज के बाद में जो है वो ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। बट इंग्लिश जो है इंटरव्यूज़ देने के लिए काफ़ी जो है यूज़फुल जो है कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। अगर आप यूके या तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा जैसी कंट्रीज़ के साथ आप काम करते हैं तो भी जो है इंग्लिश जो है ज़रूरी है। अगर आपको ईमेल, ऑफिशियल ईमेल्स भेजने हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके लिए भी जो है इंग्लिश काफ़ी ज़रूरी रहता है। कंपनीज के साथ कम्युनिकेशन करना है तो इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज जो है वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि एक ज़रूरी चीज़ है। तो आप, मुझे लगता है कि सीखना चाहिए, उसमें कोई इतनी ख़राब बात नहीं है। अंग्रेज़ों ने भले ही हम पे राज किया हो बट उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी भाषा नहीं सीखे। ज़रूरत है तो अभी सीख रहे हैं, फ्यूचर में कोई और लैंग्वेज मार्केट में आएगी तो हमको वो भी सीखनी पड़ेगी। जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होता है ना कि भाई पहले सी था, फिर सी प्लस प्लस आया, फिर जावा आ गया, फिर यहाँ पर जो है ASP.NET आ गया, PHP आ गया, अब अलग अलग फ्रेमवर्क्स जो है बनने लगे हैं, तो आपको वो सीखना पड़ता है। आपको जावास्क्रिप्ट, HTML सीखना होता है, आपको जो है रूबी रेल्स सीखना होता है। तो आप जो है समय के साथ नई नई लैंग्वेजेस सीखते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो इसमें भी यही है कि दिस इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप जो है उसको सीखना चाहिए। तो आज के वीडियो में सीखना ही, बट लास्ट में मैं चीज़ आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको खरीदते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी चीज़ के आपने लॉकडाउन जब हुआ था मार्च के अंदर, तो आपने क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ की वो टाइम में, कौन कौन से गेम्स खेले और अपना समय कैसे व्यतीत किया, उसके बारे में भी आप बताएं। उसके अलावा आपको क्या क्या दिक्कत आई, जैसे कि आप या तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कहीं पर फंस गए थे तो वो वापस कैसे आए, उसके अलावा आपके फैमिली फ्रेंड्स में जो है कोई विदेश से आया हो और आपको जो है मतलब क्वारंटाइन होना पड़ा 15-20 दिन के लिए, तो आपकी सिचुएशन कैसी थी, क्या आपने कैसे डील किया, कैसे सब किया, उसके बारे में भी आप थोड़ा बता सकते हैं। और अभी आपके गांव, सिटी, शहर के अंदर या तो मतलब कैसे सिचुएशन है उसके बारे में भी आप बताएं। और आपकी जॉब या तो आपके बिजनेस या तो आपकी स्टडी पे क्या उसका असर पड़ा है साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, उसके बारे में भी थोड़ा आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे ये सब स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है अलग अलग अनुभव लोगों के, उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।